वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही टेस्टी सा, यमी सा ये अंडा आलू पॉप्सिकल बना लेते हैं, यानी कि एक पोटैटो पॉप्सिकल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आलू को हमें ग्रेट करना है। मैंने ग्रेटर से इसे ग्रेट किया है। 3 उबले हुए मेरे बड़े साइज के आलू हैं। उसके इसे आप चाहें तो मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं, या फिर किसी भी कटोरी या ग्लास से अच्छे से इसे चूर कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, आलू को बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर देना है ताकि हमारा जो मिक्सचर हो वो बहुत ही एकदम स्मूथ सा बने। अब देखिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के हरा धनिया डाला है, बारीक कटा हुआ। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी अमचूर पाउडर और डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स। अब टेस्ट को थोड़ा अलग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थोड़ा सा नूडल्स मसाला, चाउमिंग मसाला, जो हम फिलिंग बनाते हैं आलू वगैरह की, वो बेसिकली एक टेस्ट की हो जाती है। तो इसे डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे नूडल्स मसाला डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए अंडे लिए हैं। अब इसे 3 पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 पीसेस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ 1 पीस का भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा से लगेगा। अब देखिए इसे असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम की स्टिक को आधा आधा कट कर लिया है। इस तरह से कट करने के बाद एक अंडे की पीस उठाएंगे, उसमें आलू लगाएंगे और बीच में इस तरह से अपनी जो स्टिक है आइसक्रीम की उसे लगा देंगे, तो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाता है इस तरह से। तो देखिए हमारे क्यूटी क्यूटी सी असेंबल हो चुकी है ये पॉप्सिकल अंडा और आलू की। इसी तरह से सभी पॉप्सिकल को हम बना के रख लेंगे। उसके बाद हमें इसको डिप करने के लिए एक घोल बनाना है। यहाँ मैंने पकोड़ा प्रीमिक्स लिया है बेसन वाला, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अब पकोड़ा प्रीमिक्स में हम पानी डालेंगे, इसे अच्छे से घोल लेंगे। ये पकोड़ा प्रीमिक्स बना के रखने से बहुत ही आराम हो जाता है, क्योंकि बेसन में सभी मसाले मैंने डाल के रख दिए थे। जब भी पकोड़ा बनाना हो इसे निकालिए, घोलिए और बना लीजिए। बेसन में सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, नमक, काला नमक, जीरा, अजवाइन, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी हल्दी भी डाला है, चिली फ्लेक्स भी डाला है। इस तरह से एक बार आप बना के रख लेते हैं ना पकौड़ा प्रीमिक्स, तो आपको बहुत ही आराम हो जाता है पकौड़ा वगैरह बनाने में, खास तौर से रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमारे घरों में अक्सर पकौड़े बनते रहते हैं। अक्सर क्या, डेली ही पकौड़ों का एक आइटम ज़रूर बनता है। तो इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा। मैंने देखिए गर्मा गर्म तेल में अपने पॉप्सिकल को बेसन वाले घोल में डाल के डिप करके फ्राई करना शुरू कर दिया। इस टाइम पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम पॉप्सिकल बेसन में डिप करेंगे तो हमें स्टिक की तरफ से नहीं उठाना है, हमें जिस तरफ अंडा और आलू लगा है उस तरफ से हाथों से उठा के डिप करना है और इसे फ्राई करना है। क्योंकि अंडा जो होता है वो थोड़ा चिकना चिकना होता है, सिल्की सिल्की सा होता है। अगर हम स्टिक की तरफ से उठाएंगे तो आलू और अंडा जो है बेसन के घोल में रह जाएगा और स्टिक हमारे हाथ में आ जाएगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है इस रेसिपी में। बस देखिए इसे एक तरफ से फ्राई होने के बाद धीरे धीरे से पलट लेंगे। पलटने के बाद जब इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमें इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इजी सा, बहुत ही यमी सा और बहुत ही क्यूट सा दिखने वाला हमारा एक पोटैटो पॉप्सिकल बन के रेडी हो चुका है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो